रिंकू की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग बेसन का ही करी बनाते हैं, लेकिन आज जो हम करी के लिए बड़ी बनाएंगे उसमें हम पालक डाल करके बनाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पालक लिया है। पालक को अच्छी तरीके से साफ करके मैंने इसे काट कर धो लिया है, और ये देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। सबसे पहले जो करी में बड़ी डाला जाता है, पहले हम उसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम पालक को एक बोल में खाली करेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज डाल देंगे, 4 चम्मच बेसन डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा इसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने से बड़ी का स्वाद बहुत ही टेस्टी आएगा। और यहाँ पर जो दोस्तों हमने दही लिया है, थोड़ा खट्टा दही लिया है। आप जब भी बड़ी बनाएं खट्टा दही का इस्तेमाल करें। वैसे भी हम कढ़ी बनाते हैं तो दही थोड़ा खट्टा ही लेना चाहिए, कि कढ़ी थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, तीखा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली थी, और लहसुन को हमने इस तरह से कूट लिया है। डाल देंगे इसमें, अगर आप इसमें लहसुन नहीं डालना चाहते तो लहसुन को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और बेसन डालेंगे। 1 चम्मच बेसन हम इसमें डाल देंगे। अब हमें बेसन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप दोस्तों करी बनाइएगा, एक तो ये हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें पालक डाला है, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम अच्छे से बड़ी बना सकते हैं, ये देखिए आप। चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब ये जो पालक का पकौड़ी है, पकौड़ी बोल सकते हैं, बड़ी बोल सकते हैं, डाल देंगे इसमें। छोटा छोटा करके डालेंगे। अगर आपको बड़ा पसंद है तो आप बड़ा साइज बना सकते हैं। चलिए इसे एक बार पलट करके चेक कर लेते हैं, ये नीचे की तरफ से फ्राई हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए नीचे की तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। दूसरी साइड भी हम पलट कर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और अब जब भी बड़ी को फ्राई कीजिएगा, सरसों के तेल में ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि बड़ी जो है सरसों के तेल में ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। सभी को हमने अच्छी तरह से पलट लिया है। इसे आप सूखा भी खा सकते हैं, सूखा भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दूसरी साइड से भी हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे बड़ी को फ्राई कर लिया है। आप बड़ी बोल सकते हैं, पकौड़ी भी बोल सकते हैं। और ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही कुरकुरा बना है। हमने इसमें दही डाला है, इसी के चलते इसका जो स्वाद है 4 गुना बढ़ गया है। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं। बड़ी तो हमने तैयार कर लिया है, अब हम करी तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर एक बोल लिया है, बोल में हम 4 चम्मच के करी बेसन डाल देंगे। इधर हमने भरकर 1 कटोरी दही लिया है, दही को इसमें हम डाल देंगे। अगर आप कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी में दही की मात्रा ज़्यादा लें, क्योंकि कढ़ी जितना ही खट्टा रहेगा उतना ही खाने में स्वादिष्ट लगेगा। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे। सबसे पहले हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पूरा पानी नहीं डालेंगे, इसे तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा था तो तेल हमने निकाल दिया है। हमने 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल ले लिया है। इधर हमने 2 सूखी हुई लाल मिर्च ले ली है, थोड़ा सा जीरा, करी पत्ता, 3 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, डाल देंगे इसमें। और इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। इसमें हमने जो बेसन का घोल बनाया है डाल देंगे। एक बार इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम फिर से दोस्तों पानी डालेंगे, क्योंकि बेसन डालने के बाद जल्दी से गाढ़ा होने लगता है, तो पानी इसमें हम डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में डालने के बाद आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा। गैस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है,
हाई फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये जो कढ़ी है फट जाएगी। दोस्तों अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हम नमक अभी डाल देंगे तो ये जो कढ़ी है फट जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो हमारी कढ़ी है गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है, ये देखिए, और इसमें उबाल आना शुरू भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे। आप कढ़ी को जितना ही पकाइएगा उतना ही टेस्टी बनेगा। वो कढ़ी को हम 15 मिनट तक पका लेते हैं। अभी हमने कढ़ी को 10 मिनट तक पकाया है। चलिए अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे 5 मिनट तक और हम पका लेते हैं। अब ये देखिए, बातों बातों में ही हमने कढ़ी को अच्छी तरह से पका लिया है। अब ये जो हमने पालक का पकौड़ी बनाया है, चलिए इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम एक उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम एक बोल में खाली करेंगे। आपको हमारी पालक की करी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हूँ फिर एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।